फ्रेंड्स, वेलकम टू तारा ऑलमेंट चैनल। और आज हम बात करेंगे द मॉम्स कॉम नेचुरल विटा रिच फेस वॉश के बारे में, जो कि विटामिन सी, B3, B5 एंड हाइलोरोनिक एसिड के साथ आता है। यहाँ आप देख सकते हैं, और ये 100 ml का प्रोडक्ट है, और इसकी जो प्राइस है वो है 348 rupees, और इसकी हमें सेल्फ लाइफ जो है वो 2 years की मिल जाती है। और यहाँ पर इन्होंने सभी कुछ मेंशन किया हुआ है कि ये पैराबेन फ्री है, हार्मफुल केमिकल फ्री है, SLS फ्री है, सभी कुछ इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। और इसके अंदर है विटामिन सी, विटामिन B3 एंड विद हेजल एक्सट्रैक्ट और हाइलोरोनिक एसिड, जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं गाइस। और इसका जो प्रोडक्ट है ये इस तरह की पंप की पैकेजिंग में आता है, और इस तरीके से आप इसको रोटेट करेंगे, और इसका जो प्रोडक्ट है इस तरीके से, ये जेल बेस्ड प्रोडक्ट है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है काफ़ी रनी है, और ये जेल बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज, ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, आप सभी स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है विंटर में या किसी भी सीजन में, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत कम ड्राइनेस देता है फेस पर, और फोमिंग भी नहीं है इसके अंदर, ये बिल्कुल भी फोमिंग नहीं देता है। और जिन लोगों को फोमिंग पसंद है तो उनको कम पसंद आएगा ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये नेचुरल बेस्ड है, नेचुरल चीज़ों पर बेस्ड प्रोडक्ट है, इसलिए इसके अंदर फोमिंग नहीं है। झाग जो बन जाते हैं हमारे स्किन पर, जैसे कि एकदम फ्रेश लगने लगता है हमें यूज़ करने के बाद में, और इसको आप जब यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी झाग नहीं देगा आपकी स्किन पर। और क्योंकि हमारी हैबिट बन चुकी है झाग वाले प्रोडक्ट यूज़ करने की, फोमिंग बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करने की, तो ये थोड़ा आपको पसंद नहीं भी आ सकता है, लेकिन स्किन के लिए वर्क बहुत अच्छे से करता है। आप इसके फोमिंग पे नहीं जाएं, क्योंकि जिन प्रोडक्ट में कम फोमिंग होती है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं हमारी स्किन के लिए। जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उनमें फोमिंग कम ही होती है, और ये ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, सूटेबल रहेगा, क्योंकि मेरी मैंने जो है ड्राई स्किन पर इसको यूज़ किया था तो काफ़ी सूटेबल रहा था सर्दियों में भी। और आप इसको एक अच्छे मॉइस्चराइज़र के साथ इसको आप प्रेप कर सकते हैं, क्योंकि ये झाग नहीं देता है, इसलिए आप इसका थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे फेस पर कोई झाग वगैरह नहीं बन जाते तो हमको ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी हमारा चेहरा फ्रेश नहीं हुआ है, साफ़ नहीं हुआ है, और एक फ्रेशनेस नहीं आ पाती है। लेकिन जब आप इसको प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और आपके हैबिट में आ जाएगा, तब आपको इसके बेनिफिट भी समझ में आएंगे। लेकिन कोई भी ऐसा मैजिक नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपकी स्किन ख़राब हो चुकी है तो आपको पहले ही प्रिपेयर करना चाहिए अपनी स्किन को, वो इस कंडीशन पे ना पहुँचे कि आपको इतनी ज़्यादा मतलब परेशानियाँ उठानी पड़े अपनी स्किन के साथ। इसलिए आप 25 की एज से ही अपनी स्किन की केयर स्टार्ट कर दें, ताकि आगे फ्यूचर में आपकी स्किन को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसलिए अगर आपके चेहरे पे स्कार्स वगैरह हैं या पिगमेंटेशन है बहुत ज़्यादा, तो इससे आप ज़्यादा होप ना लगाएं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट इतनी जल्दी हमारे स्किन पे वर्क नहीं करता है इसलिए। लेकिन ये ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा ऑप्शन है विंटर में, और गर्मियों में भी ये ठीक ठाक बना रहता है, सही है फेस वॉश, अच्छे से क्लीन भी कर देता है स्किन को, फ्रेशनेस भी आती है। ऑयली स्किन वालों को थोड़ा ये ज़्यादा फ्रेशनेस नहीं लेकर आ पाएगा आई थिंक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा चिपचिपा, अगर आप इसका सीरम वगैरह है, इसके और भी अदर प्रोडक्ट आते हैं, आप उसको भी यूज़ करेंगे। इसकी मैंने किट भी ले रखी है, उसका किट का भी मैं आपको रिव्यू दूंगी। और मैं चाहती थी पहले मैं आपको उस फेस वॉश के बारे में बता दूं, जो कि काफ़ी अच्छा है, स्किन पर अच्छे से जाता है, फ्रेशनेस भी आती है, जेल बेस्ड है, इसलिए आपको झाग वगैरह ज़्यादा नहीं मिलेंगे इससे। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप अपनी स्किन केयर रूटीन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू सो मच, बाय।